अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक रिक्वेस्ट थी कि ग्लास फोन की ASL फाइल पर वीडियो बना दें। तो आज वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किसी भी ग्लास फोन की ASL फाइल जो है किस तरह बनाकर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी बताऊँगा कि आप किसी भी ASL फाइल को जो है अपने फोटोपियर में एड करके बस एक टच में किस तरह जो है ग्लास फोन बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने कम्प्लीट वॉच करना है, और अगर आपके फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं तो वहाँ पर भी वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर इस वीडियो पर आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे यानी 50-60 लाइक्स आगे, तो मैं नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हैं अपनी वॉइस में बनाऊंगा। ओके, तो अच्छा वाला रिस्पॉन्स जो है आपने दिखाना है इस पर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है आपने अपने फोटोपिया को जो है ओपन कर लेना है यहाँ पे, और उसके बाद जो है आपने आ जाना है ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे। देन उसके बाद जो आपने यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन से जो भी आपकी फ़ोटो है आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह की एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन से अगर आप यहाँ पे नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने पिक्सल लैब से लिख के रखा है, तो मैं सिंपली ओपन एंड प्लेस वाले ऑप्शन से अपना नेम जो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने कुछ इस तरह से ऐड कर लिया है। उसके बाद जो आपने आ जाने लेयर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपने आ जाना है लेयर स्टाइल पे। देन उसके बाद जो है आपने आ जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। यहाँ आने के बाद जो है आपने मैं आपको सिंपल यहाँ पे ग्लास फोन बना के दिखाता हूँ वाइट कलर में। तो आपने इसकी जो फिल होगी ज़ीरो पे कर लेनी है। उसके बाद जो आपने इसकी स्ट्रोक में आ जाना है। इसकी स्ट्रोक में आने के बाद इसका कलर जो होगा वो आपने ब्लैक कर लेना है, और इसका जो साइज़ होगा इसको आपने कर लेना है 1 पे। देन उसके बाद जो आपने आ जाना है इनर ग्लो पे। इनर ग्लो पे आने के बाद सिंपली इसका जो कलर होगा वो आपने वाइट कर लेना है। देन उसके बाद जो आपने आ जाने नीचे कलर ओवरले पे। तो यहाँ आने के बाद इसका कलर जो है मैं सिंपली वाइट कर लूँगा, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे वाइट ग्लास फोन बना रहा हूँ। और इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको आपने ओवरले कर लेना है। देन उसके बाद जो आपने नीचे आ जाने ग्रेडियंट ओवरले पे। उसके बाद जो इसका ब्लेंडिंग मूड होगा इसको भी आपने ओवरले कर लेना है। और इसका जो स्टाइल होगा इसको आप लीनियर से चाहें तो रिफ्लेक्टेड भी कर सकते हैं। तो ये करने के बाद इसकी ओपेसिटी जो होगी वो आपने कर लेनी है 50 से 60 के अराउंड। और इसके जो कलर ओवरले है इसकी ओपेसिटी भी आपने 60 से 65 पे कर लेनी है, लाइक इस तरह से। देन उसके बाद जो आपने ड्रॉप शेडो पे आ जाना है, और इसकी जो ओपेसिटी होगी इसको 100 पे कर लेना है। और उसके जो डिस्टेंस होगा इसको आपने 2 पे कर लेना है, और इसका जो साइज़ होगा इसको आपने कर लेना है 2 पे। तो यहाँ पे दो फाइल्स जो हैं मैंने पहले से सेव करके रखी हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, इनको डिलीट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने न्यू किस तरह ऐड करनी है। तो हमारा ग्लास फोन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रेडी है। उसके बाद जो है आपने इसको इसकी ASL फाइल सेव करने के लिए सबसे पहले जो है डिफाइन न्यू पे क्लिक कर लेना है। ओके, डिफाइन न्यू पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जो आपने यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ क्लिक करने के बाद जो आपके सामने जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज ASL, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो आपकी ASL फाइल होगी सिंपली यहाँ पे डाउनलोड होगी। उसके बाद जो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो ASL फाइल को यहाँ पे किस तरह फोटोपिया में एड करना है। तो इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। देन उसके बाद जो आपने अगेन जो है मैं लेयर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक स्टेप जो बैक ले लेता हूँ, और अगेन जो है एक स्टेप बैक ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद जो आपने अगेन जो है लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ से लेयर स्टाइल, और उसके बाद अगेन आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आ जाना है। ओके, उसके बाद जो इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ओके, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद जो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह यहाँ पे जो आपकी जितनी भी ASL फाइल्स होंगी उनको किस तरह यहाँ पे जो है ऐड करना है। उसके बाद जो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब जो आपने क्लिक कर लेना है लोड ASL पे।
तो सिंपली आपने फाइल वाले ऑप्शन पे आना है, और ये जो मैंने अभी सेव की थी एसएल फाइल, सिंपली आपने इसको जो है ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ क्लिक करने के बाद जो है आपकी एसएल फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप जितनी भी एसएल फाइल जो है यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सिंपली आपने इसी प्रोसेस से जो है ऐड कर लेनी है। उसके बाद जो आपने, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आप एएसएल फाइल यूज़ करके बस एक टच में जो है ग्लास नोट बना सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपकी फ़ाइल होगी उसके ऊपर आपने टेप कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा ग्लास नोट जो है रेडी हो जाएगा। बस एक टच करना है आपने और आपका जो ग्लास नोट जो है रेडी हो जाएगा। उसके अलावा जो है आप और कलर में भी जो है एएसएल फाइल्स जो है बना सकते हैं, और आप चाहें तो कहीं से डाउनलोड करके भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा और मैं एक अलग टाइप का ग्लास नोट जो बना लेता हूँ और उसकी एएसएल फाइल में अगेन आपको सेव करके दिखा देता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अगर आप इस पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स जो है दिखाएँगे तो मैं आगे चल के जितनी भी वीडियोज़ हैं फिर वॉइस में बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन न्यू किया था और जो हमारी एएसएल फाइल अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इसको भी यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये जितनी भी आपकी एएसएल फाइल्स होंगी ये आपकी सिंपली फाइल मैनेजर में सेव हो जाएंगी। उसके बाद आप चाहें तो इसको व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी शेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए सिंपली आपने एक्सपोर्ट एज वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने PNG या JPG इनमें से किसी भी एक पे क्लिक कर लेना है और उसकी क्वालिटी 100 पे करके आपने सिंपली सेव कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।